ये गौर से ये स्टोरी सुने, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। एक मुल्क में मिशन एक्चुअली जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। आप जो चीजें हैं बस किया और चल दिए, बस सही है। मिशन एक्चुअली जो है, अमेरिकन मूवी है मिशन इम्पॉसिबल, किसी ने देखी है? ओके, मिशन इम्पॉसिबल, वो एक मिशन के तौर पर जाते हैं। हमारी लाइफ में एक मिशन होना चाहिए कि लाइफ में हम कुछ करें। ये स्टोरी जो है, ये पर्सन जो है, एक मिशन के तौर पर, एक उनके मिशन एक लेकर चल रहा है। एक बादशाह है, एक मुल्क का रूल था, उनको पता था एक साल में एक बादशाह उनका आता था। और वो बादशाह जो है एक साल में जो भी अच्छा करे या बुरा करे, इन द एंड ऑफ दैट कि वो जो बादशाह था बहुत ही ज्यादा एक साल तक उसने एंजॉय करना है या कुछ करना है। हमारे मुल्क में भी जो हमारा बादशाह होता है या हमारा प्रेसिडेंट होता है 5 साल के लिए आता है, लेकिन उस मुल्क में 1 साल तक था। 1 साल के बाद उस पर्सन को, उस बादशाह को वो एक आइलैंड में छोड़ देते, एक जजीरे में छोड़ देते थे, और वहां पर सारी जिंदगी उसने गुजार दी। सारे बादशाह जितने भी आते हैं वो चले जाते हैं। बादशाह जब आता है 1 साल रहता है और चला जाता है। कुछ बादशाह बड़ा एंजॉय करते हैं, 1 साल की जिंदगी है, 1 साल खूब एंजॉय करो, बाद में पता नहीं है मुझे मिलनी है पावर या नहीं, जो कुछ है मेरे पास एंजॉय करो क्योंकि मेरे लिए ही ठीक है। सो दैट वी ऑल्सो गिविंग एंजॉय करते हैं। ऐसे ही जो बादशाह मर जाता था उसे छोड़ देते हैं और वहां जंगल में आइलैंड में वहां पर शेर से खा जाता है। ऐसे ही जब बादशाह को छोड़कर आते हैं तो वहां पर कुछ लोग एक शिप को देखते हैं, दे हैव टू डिस्ट्रॉय, सारे लोग वहां मर जाते हैं लेकिन एक शख्स जो है बच जाता है। और वो कहते हैं कि हो सकता है कि यह हमारे मुल्क के लिए एक ऑनर की बात हो, हमारे मुल्क को कुछ दे दे, कुछ ऐसा काम कर दे जो हमारा मुल्क सक्सेस हो जाए। वो भी मरता मुराता किनारे पर पहुंचता है और वो लोग कहते हैं कि इसको ले लेते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए इसको 1 साल का बादशाह बनाएंगे। हो सकता है कि खुदा ने इससे जिंदगी दी है और अनमोल दी है कि हमारे मुल्क में कुछ अच्छा करे। तो वो मानता नहीं है, कहता नहीं मैं नहीं करना चाहता हूं। इन द एंड आखिरकार वो उनकी बात मान लेता है, कहते नहीं आप कर लें, बहुत अच्छी बात है कि आपको खुदा ने जिंदगी दी है, तो उसको सेलेक्ट कर लेता है, कहते हैं ठीक है, वो मान लेता है, बादशाह बन जाता है। इन द एंड ऑफ दैट तो पहले ही जब अपनी मीटिंग करता है तो कहता है सबसे पहले मुझे वो आइलैंड दिखाया जाए। आइलैंड सारे भी कहते हैं कि आइलैंड दिखाए, वो तो वहां से वापस कोई आते नहीं है। आखिरकार उसकी बात मान लेते हैं, वो आइलैंड का विजिट करते हैं, वहां देखता है बहुत ही डेंजरस लॉइन और बहुत सारे जानवर और ऐसी जगह जहां से बंदा कुछ जाने नहीं चाहता, वो देख लेता है। इन द एंड ऑफ दैट सारी सिचुएशन को देख के अपने वजीर को बुलाता है, जैसे वो बात है प्रिंसिपल जो बुलाती है असिस्टेंट को, कि जो उनकी असिस्टेंट प्रिंसिपल है उनसे बात जब करती है या इंचार्ज को, तो उनसे बात करती है, उन्होंने भी ऐसे किया। उसने कहा कि जितने भी हमारे मुल्क में अच्छे अच्छे कमांडोज हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेहनत करने वाले हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको बुला लिया जाता है और कहा जाता है ये सब कुछ जंगल को खत्म कर दिया जाए, जो जंगली जानवर उसे मार डाला जाए और मेरे लिए एक पैलेस तैयार किया जाए, वहां पर गार्डन बना दिया जाए, अनमोल सिटी बना दिया जाए, ताकि वहां पर जब लोग आए वो खुशी महसूस करें, उसके लिए डिफरेंट हो। वो जैसा 1 साल के लिए बादशाह आता है, उसने कहा ठीक है ओके। वो कहता है इतना जल्दी हो, 1 साल से पहले होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, मेरे जाने से पहले पहले तैयार होना चाहिए। एक पैलेस तैयार कर देते हैं वहां पर। इसके बाद ऐसी अनमोल चीजें वहां पर तैयार करते हैं जो कि एक
मॉडल सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ बहुत ज्यादा वहां पर चीजें होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, गार्डन होते हैं, ताकि हर कोई जाकर खुश हो जाए। वहाँ फ्रूट्स की शॉपिंग, वहां पर लोग भी शॉपिंग करने के लिए चल जाते हैं। वो एयरलाइन जो कोई जा नहीं सकता था, वहां पर लोग शॉपिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं। इन द एंड ऑफ दैट जब तैयार हो जाता है तो बादशाह का टाइम आ जाता है, उसे कहा जाता है कि आपका टाइम हो चुका है। उसने कहा ओके कोई बात नहीं, और वो कहता है मुझे इजाजत दो ताकि मैं जा सकूं। और वो जब वो जाता है आइलैंड की तरफ और बड़ा खुश होकर जाता है, लोग भी बड़े खुश होते हैं। और वो लोग जो है उसे कहते हैं कि बादशाह कहते जितने भी यहां से गए रोते हुए जाते थे, रोते हुए गए, लेकिन आप बड़े खुश होकर जा रही है, क्या बात। वो कहता है उन्होंने अपना मिशन पूरा किया, मैंने अपना मिशन पूरा किया क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए किया, मैंने अपने लिए नहीं किया। सो दैट ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। और वहां पर लोग विजिट करने के लिए एक मॉडल सिटी के तौर पर जाना जाता है। जब हम देख लेते हैं कि ये चीज है मिशनरीज, हम मिशन की बात करते हैं, हमारा स्कूल सेंट मेरी हैदराबाद में एक नाम है इसका, ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पाकिस्तान में इसका नाम है, बोनाविंचर आई थिंक सो, हो सकता है कुछ को पता हो। मैं ये समझता हूं जैसे कराची में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है वैसे सेंट मेरी है, और जैसे वहां पर सेंट पैट्रिक स्कूल है वैसे ये बोनाविंचर है, क्योंकि ये ऐसा काम हैदराबाद में कर रहे हैं और हैदराबाद में किया है। मैंने जब हिस्ट्री इसके देखी बिकॉज आई रिसर्च अ लॉट ऑफ थिंग, ये 1920 में बना सेंट मेरी हो गई 1920 और 1930 वहां से मुझे मिली ये आपने 37 बोनाविंचर बना था, फिर उसके बाद ये सेंट मेरी, और ये दोनों मिशनरी ने शुरू किया। उनका माइंड जो है सेम लाइक है, उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया दूसरों के लिए काम। और मैं ये समझता हूं कि बोनाविंचर का एक नाम है, वो सारे भी मॉडल स्कूल बन चुके हैं कराची में भी यहां पर भी, लेकिन जो एक मिशनरी स्कूल का कॉन्वेंट स्कूल का एक नाम है वो giving to clapping for the mission school. Because the mission school जो है उन्होंने एक नाम दिया, you know about that, remember that, पाकिस्तान में इंडिया में सबसे पहले जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो क्रिश्चियन स्कूल से शुरू हुई, उन्होंने शुरू करवाई और उन्हीं के क्रिश्चियन लोग ही सबसे पहले इंग्लिश बोलते थे और उसके बाद दूसरे थे। तो बाद में अगर हम देखते हैं डिफरेंट हिस्ट्री एंड डिफरेंट स्कूल, मैंने तमाम की हिस्ट्री सर्च की हुई है, और हमारे स्कूल्स ने पाकिस्तान में एजुकेशन दी। आज जो बड़े नाम लेते हैं फीस बहुत ज्यादा है और मॉडल बन चुके हैं या बहुत अपना समझते हैं, देन द थिंग एवरीथिंग द मिशन स्कूल एंड ऑल्सो कॉन्वेंट स्कूल, दे हैव सम डिफरेंट वैल्यू जितने भी हमारे स्कूल थे अगर अभी भी दी और हमने दूसरों को दी। पर दूसरी बात ये, जैसे मैंने कहा कुछ बादशाह ने जो काम किया, जितने भी मिशनरी सिस्टर्स हैं या फादर्स हैं वो एक जगह पर नहीं रहते, तीन चार साल के लिए, ज्यादातर पांच साल के लिए प्रिंसिपल होते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। वो ये नहीं कि मैं ही बैठ जाऊं, मैं इंजॉय करता रहूं, मैं ही करूं, उनका विजन होता है मैं कुछ करूंगा जो मेरे आने वाला होगा कोई डिफरेंट कर दे, और इससे भी वो देखे कि इतने ये किया है डिफरेंट किया, जैसे मिशनरी ने किया था वैसे हम भी कुछ कर रहे। मैं समझता हूं कि उन्होंने विजन दी उन्हें कब ने कुछ करना है, सो दैट दे हैव टू